जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट सीरीज कब्जा करने के लिए चौथे टेस्ट मैच में कर दिया भयानक 4 बड़े बदलाव। रोहित शर्मा ने टीम के सारे फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और टीम में खतरनाक भूखे शेरों को आपसी कर दिया है। रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट मैच के लिए ऐसे ऐसे धुरंधरों की आपसी कर दिया है कि इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज हारने का डर सताने लगा है। तो आखिर कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट मैच के लिए कौन कौन खतरनाक भूखे शेरों को टीम में शामिल कर दिया है और चौथा टेस्ट मैच कवर कहां खेला जाएगा, हम आप लोगों को बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को साथ। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 मैच खेला जा चुका है, जिसमें भारत पहला टेस्ट मैच हारने के बाद लगातार 2 टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना लिया है और चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी को रांची में खेला जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि चौथे टेस्ट मैच के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल पूरी तरह से तैयार हैं। बीसीसीआई का कहना है कि केएल राहुल चौथे मैच के लिए पूरी तरह से फिट हैं और इधर रजत पाटीदार टीम से बाहर हो सकता है। चौथे टेस्ट मैच के लिए केएल राहुल की वापसी अगर हो जाता है तो रजत पाटीदार को चौथा टेस्ट मैच के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है, इसलिए जसप्रीत बुमराह राजकोट से रांची तक का यात्रा नहीं करेंगे। जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन की बात करें तो इसने 3 टेस्ट मैच खेले हैं और 17 विकेट चटका डाले हैं। अगर जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं तो मुकेश कुमार को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत का प्लेइंग 11 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 में नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैचों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन 3रा टेस्ट मैच में शानदार 131 रन का शतकीय पारी खेलकर अपने फॉर्म को वापस लौटा है। रोहित शर्मा 4था टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को कब्जा करना चाहेगा, इसलिए रोहित शर्मा 4थे टेस्ट मैच में ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में यशस्वी जसवाल नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जसवाल अभी के टाइम में शानदार जबरदस्त खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। यशस्वी जसवाल ने बैक टू बैक 2 दोहरा शतक लगाकर सारे दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड को तस नस कर दिया है। यशस्वी जसवाल किसी भी फॉर्मेट में खतरनाक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में शुभम गिल नजर आएंगे। आप लोगों को बता दें कि शुभम गिल पहला टेस्ट मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद से शुभम गिल शानदार फॉर्म में आ गए हैं और बैक टू बैक ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। शुभम गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज है और अभी शुभम गिल शानदार फॉर्म में चल रहा है। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में रजत पाटीदार के जगह पर केएल राहुल नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रजत पाटीदार को बैक टू बैक मौका मिल रहा है, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही, इसलिए 4थे टेस्ट मैच के लिए रजत पाटीदार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उसका जगह पर केएल राहुल का आपसी होगा, क्योंकि केएल राहुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में रविंद्र जडेजा नजर आएंगे। आप लोगों को बता दें कि रविंद्र जडेजा अभी पिछले टेस्ट मैचों में शानदार शतकीय पारी खेला था और बैक टू बैक मैच में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और रवि के टाइम में रविंद्र जडेजा जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में सरफराज खान नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बीसीसीआई ने सरफराज खान को टीम में ज्यादा मौका नहीं दे रहा था और जैसे ही सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका मिला, उसके बाद सरफराज खान अपना आक्रामक तरीकों से बैक टू बैक शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और सरफराज खान अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में कुलदीप यादव नजर आएंगे। कुलदीप यादव अभी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और विकेट भी अच्छी खासी निकाल रहे हैं। कुलदीप यादव खतरनाक गुगली गेंद डालते हैं और विकेट चटकाते हैं। कुलदीप यादव के गुगली को पढ़ पाना अच्छे अच्छे बल्लेबाज के पास में नहीं होता है। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में ध्रुव जुरेल नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ध्रुव जुरेल का प्रदर्शन अभी तक एवरेज रहा है
और चौथा टेस्ट मैच में जीतने के लिए इसको शानदार पारी खेलने का जरूरत है। और हमें पूरा उम्मीद है कि ध्रुव जुरेल चौथा टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलेंगे। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में रविचंद्र अश्विन नजर आएंगे। रविचंद्र अश्विन भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और विकेट भी बैक टू बैक निकाल रहे हैं। रविचंद्र अश्विन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी बढ़िया तरीकों से करता है और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि रविचंद्र अश्विन चौथे टेस्ट मैच में ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालकर जीत दिलाए। 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में जसप्रीत बुमराह के जगह पर मुकेश कुमार को मौका दिया जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आराम देना चाहता है कि अंतिम टेस्ट में बढ़िया तरीकों से बॉलिंग कर सके। और मुकेश कुमार की बात करें तो इसे पहले भी मौका मिल चुका है लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, तो चौथा टेस्ट मैच में मुकेश कुमार को शानदार प्रदर्शन करना होगा। और 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और मोहम्मद सिराज भी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। तो दोस्तों यह था चौथा टेस्ट मैच के लिए भारत का कंफर्म प्लेइंग 11। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यह प्लेइंग 11 आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।